या हेलो फ्रेंड्स सो दिस इज़ माई वीडियो फॉर माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन आई टी सेक्टर एंड दोज हु आर करेंटली पैनिक बाई द न्यूज़ विच इज़ लाइक कंपनीज़ आर लैंग ऑफ एम्प्लॉयज सो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए और जब ये सिचुएशंस आए हाउ वी शुड रिएक्ट एंड हाउ वी शुड मेक श्योर विल नेवर फेस दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस क्योंकि वीडियो पर्टिकुलरली सिर्फ़ एक सेक्टर और एक सेक्टर ऑफ ऑडियंस के लिए है लेकिन ऐसा नहीं है जो न्यू कमर्स है जैसे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग अभी करियर चूज़ uh, कर रहे हैं फिर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं फिर अभी uh, वो लोग आई टी सेक्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर कन्फ्यूज़ हैं कि वो इस सेक्टर में आएँ कि ना आए ये उन सब के लिए काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो हो सकता है सो so, माय फर्स्ट लाइक थिंग इज़ कि जब पहले इसको शुरू करते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं और कॉलेज ख़त्म करने के बाद हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि वेदर वी शुड गो टू प्राइवेट सेक्टर एज एन आईटी प्रोफेशनल और वी शुड प्रिपेयर फॉर सम अदर कोर्स और सम हायर एजुकेशंस टू चूज सम अदर सेक्टर्स और सम अदर करियर पाथ और सम गवर्नमेंट जॉब्स दो काइंड ऑफ थिंग्स सो इन सारे कन्फ्यूजन्स में पहली चीज़ तो ये होती है कि पहली चीज़ तो आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि वट डू यू लाइक मोस्ट टू डू और वट आर यू गुड एट सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है कि आप आई टी सेक्टर चूज़ करें ना करें क्योंकि कुछ सालों बाद ऑफ मतलब हर एक दो साल में हमें ले ऑफ़ की न्यूज़ आती रहती हैं कि इन्फोसिस ने दस हज़ार एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ कर दिया या फिर एस ने या फिर और किसी कंपनी ने कॉग्निजेंट विप्रो कई सारी कंपनियां हैं जो कि रूटीन ले ऑफ़ करती हैं तो रूटीन ले ऑफ़ में होता क्या है बेसिकली ये चीज़ समझने वाली है ताकि आप लोग करियर को चूज़ करते वक्त घबराए नहीं कि हमारा करियर अगर हम एक एज एन आई सेक्टर और आई प्रोफेशनल करियर चूज़ करते हैं तो हमारा आ, आगे मतलब कितने साल तक हम करियर में रह सकते हैं या फिर हमारा करियर कितना लंबा हो सकता है इस चीज़ को आप कंफ्यूज uh, ना करें मिसअंडरस्टूड ना करें इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए तो उस चीज़ के लिए पहले समझना ज़रूरी है कि कंपनियां ले ऑफ़ करती क्यों हैं और क्या ऑफ करना सही है या फिर uh, ये ले ऑफ़ कितने फ्रिक्वेंट होते हैं तो पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा ले ऑफ बहुत ही यूज़ुअल है एंड बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं मेरे अगर मैं आपको बोलूँ पिछले सात साल का मेरा सात साल से ऊपर का मेरा आईटी सेक्टर का एक्सपीरियंस है और उससे पहले से जब से मैं कॉलेज में हूँ बिकॉज़ आई वाज इन आईटी माय मेजर वाज आईटी इन बी सो आई यूज टू कीप आई ऑन दीज काइंड ऑफ न्यूज़ कि क्या हो रहा है आईटी सेक्टर में uh, क्या नहीं हो रहा है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पिछले आठ नौ साल से मैं ये न्यूज़ हमेशा से सुनता आता हूँ कि ले ऑफ़ कर रही हैं कंपनियाँ और ये बहुत ही रूटीन होता है मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ा रिसेशन आ गया या फिर कुछ बहुत बड़ा कुछ इकोनॉमी uh, क्रैश हो गया ऐसा कुछ नहीं होता है ये बहुत ही रूटीन होता है मतलब आपको हर साल हर दूसरे साल ये न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी हर कंपनी दो साल में एक बार तो तीन साल में एक बार तो ले ऑफ करती करती है तो कुछ कंपनीज हैं जो नहीं भी करती जैसे टी का अगर आप सुनोगे तो टी का मैंने जितने सात आठ साल में देखा है मतलब मुझे रेयरली ही सुनने में मिला होगा मुझे याद भी नहीं है कि टी ने कभी ले ऑफ़ करे होंगे बट करे भी होंगे तो वो बहुत ही रेयर्स होते हैं और इतना मास ले ऑफ नहीं करती हैं कंपनियाँ जैसे टी हो गया एस भी मास ले ऑफ नहीं करती है तो कुछ कंपनियां हैं जो मास ले ऑफ करती हैं तो पहली चीज़ तो जब आप करियर चूज़ करें तो क्योंकि आप इनिशियल जब आप इंटरव्यू देते हैं किसी नई कंपनी में जाते हैं तो इनिशियल ईयर्स में मतलब इनिशियल ईयर्स का मतलब है कि फाइव टू तो सिक्स ईयर्स तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ले ऑफ़ के बारे में लाइक यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट शुड ओनली वरी कि मेरा करियर कितना ला, ला, लास्ट लॉन्ग हो सकता है या फिर क्योंकि एक देखिए सिंपल सी बात होती है जब हम आ, पढ़ाई करते हैं इतना पैसा खर्च करके और एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हैं अच्छी जॉब का मतलब है अच्छा पैसा अच्छा लाइफस्टाइल तो अच्छा पैसा अच्छा लाइफस्टाइल कितने दिन टिकेगा कितने दिन टिकेगा वो डिपेंड करता है कितने दिन आपकी जॉब रहेगी दस साल तक आप जॉब कर पाओगे पंद्रह साल तक जॉब करवाओगे उसके बाद क्या करोगे वट इज़ नेक्स्ट सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम्स इन टू इन इंडिविजुअल माइंड और इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा रहती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पकड़ लोगे तो भैया आप साठ साल तक आपको बिना किसी परेशानी के बिना किसी दुविधा के आपके घर में एक साल मतलब इनकम आती रहेगी और आपका घर खुशी से आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं बट प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ही उतने ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं होते और उतने ज़्यादा खुश नहीं होते या फिर दे आर मोर लाइकली कि हमारे अगर लड़के की या फिर किसी की भी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझा जाता है अच्छा माना जाता है या फिर उसको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बट डिफरेंस जो समझने वाला है डिफरेंस यही समझने वाला है कि दीज ऑल थिंग्स डिपेंड्स ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि आ, मतलब मास ले ऑफ होता है तो बस दस हजार एम्प्लॉयज की एक लिस्ट निकाली और उनको फायर कर दिया ऐसा कभी नहीं होता है ठीक है ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती हैं होता बेसिकली क्या है कि जब भी कंपनी को लगता है कि उनकी जो वर्क फोर्स है उनका जो रिसोर्सेज है रिसोर्स इन द सेंस कि इंजीनियर या आई प्रोफेशनल्स जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं वो आ, उनमें कुछ एम्प्लॉयज़ या उनमें कुछ जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट लाइक जनरेटिंग रेवेन्यूज जनरेटिंग रेवेन्यूज मीन्स दे आर नॉट फ्रू लाइक दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दोज एम्प्लॉयज सो पहली चीज़ क्या होता है कि आपने मोस्टली सुना होगा कि हर एक कंपनी में एक बेंच पीरियड होता है किसी कंपनी में तीन महीने होता है किसी कंपनी में छह महीने होता है मोस्टली ये ही बेंच पीरियड्स होते हैं कंपनी में बेंच पीरियड का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ मान के चलिए आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में हायर होते हैं जब आप मा, मास जैसे मास ले होते हैं ऐसे मास हायरिंग भी होती है जैसे कॉलेज में कंपनी आती है इंटरव्यू लेती है तो जब आपके फर्स्ट सेट ऑफ इंटरव्यू होते हैं तो तब आप एज अ फ्रेशर होते हो तो फ्रेशर एज अ फ्रेशर आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में मतलब पहले तो आपका इंटरव्यू होगा फिर आपकी ट्रेनिंग होगी जैसे इन्फोसिस की छः महीने की ट्रेनिंग होती है ऐसी अदर बहुत सारी कंपनीज है जिन जो अपने फ्रेशर्स uh, जो इंजीनियर्स हायर करते हैं वो उनकी ट्रेनिंग कराते हैं बेसिकली वो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियर्स होते भी नहीं हैं इंजीनियर्स तो उनको बनाया जाता है ठीक है अब uh, ट्रेनिंग के बाद उनको प्रोजेक्ट्स में सेटल किया जाता है प्रोजेक्ट्स में सेटल होने के बाद में उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पे उनको नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स और टास्क असाइन होते हैं तो यहीं पे समझने वाली बात है और यहीं पे कैच करने वाली बात है मोस्टली लोग क्या कोशिश करते हैं कि यार मेरा प्लेसमेंट हो जाए यार मेरा इस कंपनी में हो जाए मेरा उस कंपनी में हो जाए चीटिंग करेंगे कुछ भी करेंगे लाइक दे आर लाइक जस्ट लाइक की कहीं प्लेसमेंट हो जाए बस ठीक है दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट सो ये एटीट्यूड नहीं चलता है आप किसी तरीके से सेलेक्ट हो भी जाएंगे ट्रेनिंग में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं अगर आप ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं आप अपने वर्क प्रोफाइल को सीरियस नहीं लेते हैं सीरियसली आप वर्क नहीं करते हैं आप अपनी लर्निंग्स पे वर्क नहीं करते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लर्निंग और आईटी खासकर आईटी सेक्टर में लर्निंग आपके करियर के हमेशा पैरल चलेगी मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आपकी जो छह महीने की ट्रेनिंग होगी वो आपके छह साल काम आ जाए या कम से कम एक दो साल काम आ जाए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इवन आपको हर दिन कुछ नया लर्न करना होता है तभी जाके आप इस सेक्टर में काम कर पाते हैं लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता मतलब मैं अगर आप मैं अगर बोलूँगा कि रोज कुछ नया लर्न करना होता है तो शायद आप थोड़ा सा घबरा जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं होती और ऑलवेज हैव सम सीनियर्स टू गाइड यू सो एक होता है क्या है कि जैसे आप सिंपली समझे जब आपकी शादी होती है तो शादी होने के बाद यू डोंट नो वॉट टू डू डोंट नो व्हाट टू डू इन द सेंस कि बथेरी सारी चीज़ें होती है जो लाइफ में करनी होती है करने को होती हैं ठीक है एज अगर मैं एक लड़की का एग्जांपल लूँ तो उसको तो दूसरे घर जाना होता है कैसे बिहेव करना है सुबह उठ के चाय बना के देनी है कि नहीं देनी है या फिर कई सारी रस्में रीति रिवाज बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन गाइड करने के लिए होते हैं ना आस लोग आपके रिलेटिव होते हैं आपके सास ससुर माँ बहन बहुत सारे लोग होते हैं आपको गाइड करने के लिए तो वो भी एक लर्निंग ही है आप उसके बाद आ, शादी के बाद कुछ टाइम बाद आप बच्चे बच्चे पैदा करते हैं उनको फर्स्ट टाइम आप अब ब्रिंगिंग करते हैं बच्चों की तो वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलता है हेल्प मिलती है सेम चीज़ आपको जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं आपको हर तरीके का गाइडेंस हर तरीके की आपको आ, सपोर्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है उन सपोर्ट्स को यूटिलाइज करने की और सही टाइम पे सही चीज की आस्क करने की आस्क इन द सेंस अगर आपको लगता है यू नीड सपोर्ट टेल देम टेल योर सीनियर आई नीड द सपोर्ट आई नीड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई नीड दिस काइंड ऑफ नॉलेज ओके सो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि हाँ अब लर्निंग है यार, यार रोज़ यहाँ पे पढ़ाई हो रही थी वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है यू आर जस्ट लाइक एक्सपीरियंसिंग यू आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट लाइक आप रट्टे मार रहे हो ऐसा कुछ नहीं है यू आर जस्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिंग एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स ठीक है तो ऐसा कुछ हाँ टफ एंड रफ नहीं होता है ठीक है आप चलता रहेगा ये सब लेकिन जो लोग थोड़ा ले बैट ले बैक एटीट्यूड के साथ रहते हैं कि चलो यार देख लेंगे होगा देखा जाएगा कर लेंगे तो वो एटीट्यूड प्राइवेट सेक्टर में किसी भी सेक्टर में काम नहीं करता है तभी गवर्नमेंट मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर्स को बंद करते जा रही है और मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिस को या गवर्नमेंट जो बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेटिव शंस हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको मोस्टली प्राइवेट या तो प्राइवेट हाथों में दे रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज मच मोर एफिशिएंट बिकॉज दे डू नॉट वांट टू बियर एनी इन एफिशियंट एम्प्लॉई करेक्ट दैट्स वाई कंपनीज डू ऑफ करेक्ट सो दैट इज़ फाइन दैट इज़ नो दैट इज़ नॉट एन इशू देर इज नो इशू इन टू दैट बिकॉज आप खुद सोचिए आप एक काम वाली को हैर करते हैं ठीक है जो घर पे झाड़ू पोछा या खाना बनाएगी वो ठीक से काम नहीं कर रही है छुट्टियाँ ज़्यादा मार रही है या फिर जो एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं है उस एक्सपेक्टेशन पे वो नहीं है तो आप कितने दिन बर्दाश्त कर लेंगे सेम चीज़ प्राइवेट कंपनी के साथ दे आर जस्ट रेवेन्यू मेकिंग कंपनीज दे आर नॉट डूइंग यानी लाइक वो कोई चैरिटी नहीं कर रही है दे आर रेवेन्यू मेकिंग कंपनी इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आर इन द बिजनेस यू आर इन द जॉब इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विल भी आउट ऑफ द जॉब दैट इज अ लॉजिक सिंपल कैलकुलेशन सो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है मोस्टली जब लेऑफ में एम्प्लॉयज बाहर होते हैं तो परफॉर्मेंस बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एंड परफॉर्मेंस बेसिस पे ही मोस्टली ले होते हैं तो अगर आप नया लर्न नहीं कर रहे हो आप आ, ट्रेंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड के साथ नहीं हो आप आ, कुछ नया करना नहीं चाहते हो लाइफ में आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते हो लाइफ में या आपका एटीट्यूड ही नहीं है नया कुछ सीखने का लाइफ में आपका ले बैक एटीट्यूड है तो प्लीज प्राइवेट सेक्टर में फिर आने का आपको कोई फायदा नहीं है अदरवाइज यू कैन चेंज दिस एटीट्यूड करेक्ट सो देर इज नो हार्म नो इशू कोई जॉब इन सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है खासकर आईटी सेक्टर में कोई जॉब इन सिक्योरिटी नहीं होती है इवन यू विल बी वेल पेड इफ़ यू आर अ गुड एम्प्लॉय इफ़ यू आर अ गुड लाइक आईटी प्रोफेशनल इट कैन बी एनी प्रोफाइल लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस लाइक और इट कैन बी लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एनी प्रोफाइल यू विल चूज़ यू विल ओनली ग्रो यू विल नेवर बी लाइक फील स्टक

मैं अगर आपको बोलूं कि सेवेंटी परसेंट ऑफ द डेवलपर्स और सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द आईटी प्रोफेशनल जो लोग जॉब चेंज करते हैं वो सैलरी के साथ साथ कुछ नया आ, मतलब आप टेक्नोलॉजी वाइज बोलो या फिर प्रोजेक्ट वाइज बोलो या फिर कुछ नए लर्निंग परस्पेक्टिव से बोलो तो सेवेंटी परसेंट जो वर्क फोर्स है वो एक नए अच्छे वर्क एनवायरनमेंट अच्छी जॉब प्लस अच्छी टेक्नोलॉजी स्टैक और अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए भी जॉब चेंज करते हैं because they know if they have experience on good technologies that that is in the market today if they are working on those kind of projects they will be uh, market for long time correct let's say अगर हम बात करे जैसे पहले सिंबियन मोबाइल्स होते थे उसके बाद एंड्रॉइड मोबाइल आए ठीक है तो अगर कोई आईटी uh, प्रोफेशनल या कोई सॉफ्टवेयर टेस मतलब कोई भी tech, टैकी जो भी है डेवलपर भी बोल सकते हो आप कई सारे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स भी होते हैं जो काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे ही काम करते रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम लाइक इट आफ्टर सम टाइम इट इट इज नेसेसरी टू चेंज द प्रोजेक्ट इफ कंपनी इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड यू न्यू प्रोजेक्ट विद न्यू टेक्नोलॉजी दैन पीपल यूज डू स्विच करेक्ट सो दिस द वन थिंग सो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है करना होता है एंड देन यू देर इज़ नो इश्यू विद यू विद योर करिय कंपनी विल नैवर फायर यू बिकॉज देर दे लाइक एवरी कंपनी नीड टू रन देयर बिजनेस गुड एम्प्लॉयज करेक्ट सो वाई नो वन इज गोइंग टू फायर यू सी कंपनी वैन यू नो कंपनी मोस्टली हैव थ्री टू सिक्स मंथ ऑफ बेंच पीरियड सो इफ दे कैन गिव यू सैलरी फॉर थ्री मंथ्स और सिक्स मंथ्स विदआउट एनी वर्क दे they will only want to retain those employees or they only want to give salary to those employees without work which have potential to do uh, like miracles or to do uh, like complex projects or complex thing if they can handle so this is the one thing that you need to understand अब आज हमने इतनी सारी बात करी है कि हायरिंग ले ऑफ़ और ये सब चीज़ों के बारे में तो मेरे नेक्स्ट सेट ऑफ़ जो वीडियोस आने वाले हैं जो कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली शायद ना रिलीज़ कर पाऊँ लेकिन आ, मैं आ, उन पे अभी मेरा जो नेक्स्ट सेट ऑफ़ वीडियोस जिन पे मैं अभी काम करूँगा वो होंगे कि कौन कौन कंपनियां अभी हायरिंग जब जैसे अभी हमें फायरिंग की न्यूज आ रही है ले की न्यूज आ रही हैं तो इस टाइम पे आई विल जस्ट वांट टू फोकस कि कौन कंपनीज मास हायरिंग कर रही हैं जहां पे आप अपनी स्किल्स के हिसाब से आ, अप्लाई कर सकते हो इट कैन बी आईटी कंपनी इट कैन बी एट टेक कंपनी इट कैन बी एनी थिंग बट आई विल पोस्ट टूज लाइक अपडेट्स इन माई यू कैन से शॉर्ट्स और रील्स so just wait for them and uh, if any confusion you have for it sector or like uh, or career in the it sector you can uh, like comment in the comment section maybe some of the things i have not uh, covered because the video may be very long so sorry about that